शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को तहसीलदार द्वारा जबरन हटाए जाने के विरोध में अब समतामूलक समाज द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समतामूलक समाज ने बताया कि बीते एक महीने पूर्व रात्रि के समय तहसीलदार द्वारा जबरन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को डॉक्टर अम्बेडकर भवन यहाँ स्थापित था उसे हटवा दिया गया। समतामूलक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर टेंट लगाकर प्रतिमा को स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। डॉक्टर रावण वर्मा। अच्छा, आज आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या कुछ पूरा कारण है? देखिए, शिवपुरी जिले की पौरी तहसील में डॉक्टर अम्बेडकर मंगल भवन बना है, जो सरकारी पैसे से बना है। वहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी, उसे सरकार के इशारे पर मनुवादी लोगों ने जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया। इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की धरोहर हैं, हम उनके उपासक हैं, करोड़ों करोड़ लोगों की उनमें आत्माएं बसती हैं और बाबा साहब के अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तत्काल, जैसा कि आज हमने अल्टीमेटम दिया है शासन को, प्रशासन को, कि 14 अप्रैल से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति उन्हें उसी स्थान पर सम्मानपूर्वक लगाई जाए। कुछ महीनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हुए पिछोड़ते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन काल में उनके विरोधी रहे, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, बाबा साहब के संविधान को जलाते हैं, बाबा साहब के संविधान में दिए गए आरक्षण का विरोध करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, जो ऊंच नीच है, वो ख़त्म हो, जबकि बाबा साहब का संविधान इस देश में सबको समानता का अधिकार देके आगे बढ़ने का अधिकार देता है। इसलिए ये मनुवादी लोग जो सदियों से हुकूमत में बैठे हैं, जो जाति व्यवस्था में अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो कभी भी इस देश के दबे कुचले वर्ग को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, इसलिए बाबा साहब का अपमान करते हैं। क्या मांगे आपकी ओर? हमारी यही मांग है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, इस देश की धरोहर हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित की जाए। सर, आपकी मांगें पूरी नहीं होती, आगे आप क्या करोगे? देखिए, 14 अप्रैल तक हमने कहा है यदि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति द्वारा से नहीं लगाई गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सभी बहुजन समाज के संगठन एकत्र होकर महा आंदोलन करेंगे और मूर्ति तो हम लगा ही लेंगे, ये तो हमारा संकल्प है, लेकिन 14 अप्रैल तक यदि मूर्ति नहीं लगाई गई तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।